गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 के अनुसार झारखंड के किस संस्थान को देश भर में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो आइए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। IIT धनबाद। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जो है हमारा, झारखंड के खिलाड़ी जो ओलंपिक के लिए चुने जाएंगे उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? आइए हम आपको इसका सही उत्तर बताते हैं, जो है 50 लाख। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाल ही में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड जीतने वाली दीपिका कुमारी को कितनी धनराशि देने की घोषणा की? तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं, आप लोग भी अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से झारखंड के किन शहरों में लिथियम की खोज की जाएगी? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, यानी कोडरमा और गिरिडीह। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, वह मूल रूप से किस राज्य के निवासी हैं? जी हाँ, ये झारखंड के निवासी हैं। तो हमारा छठवां प्रश्न है, झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस झारखंड से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? हमारा सही उत्तर है त्रिपुरा। हमारा सातवां प्रश्न, झारखंड की कोनिका लायक किस खेल से जुड़ी हुई है? दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बहुत ही आवश्यक होते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो कृपया ध्यानपूर्वक संपूर्ण वीडियो देखने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर है शूटिंग। निम्न में से किनके विरुद्ध चलाया जा रहा है? इनके कहने का अर्थ है कि कौन से राज्य में किसके विरुद्ध युद्ध चल रहा है, ठीक है, या कौन से जिले में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सरांडा के नक्सलियों के विरुद्ध। कौन सा? सरांडा के नक्सलियों के विरुद्ध। झारखंड की किस महिला को ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो हमारा सही जवाब है रितिका श्रीवास्तव। हमारा 10वां प्रश्न, झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो हमारा सही जवाब है चतरा। हमारा 11वां प्रश्न,
हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? जी हाँ, लाह की खेती। किसकी खेती? लाह की खेती। हमारा 12वां प्रश्न है, लव इज वेयर द हार्ट इज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर जनार्दन प्रसाद। तेरवा नंबर प्रश्न, चिली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में हैट्रिक गोल करने वाली झारखंड की खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सही जवाब है हमारा ब्यूटी डुंडुम। जी हाँ, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में दिशोम गुरु व गुरुजी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे शिबू सोरेन को झारखंड के दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 15वां नंबर प्रश्न है हमारा, झारखंड के जादू घोड़ा के प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर आशीष बिरली का फोटो किस कैलेंडर में शामिल किया गया है? तो हमारा सही प्रश्न क्या है और ये है और हमारा सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। 16वां नंबर प्रश्न, नीति आयोग की ताजा रैंकिंग के अनुसार हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में झारखंड के किस जिले को पहला स्थान मिला है? हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। 17वां नंबर प्रश्न, कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब कौन सा चावल बांटा जाएगा? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल। 18वां नंबर प्रश्न, झारखंड के किस युवा द्वारा महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल कप केयर कप मैन को डिजाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर, प्रमोद प्रियरंजन। 19वां नंबर प्रश्न, हाल ही में सजल चक्रवर्ती का निधन हो गया है, वे कितनी बार झारखंड के मुख्य सचिव बने थे? तो वो कितनी बार बने थे? 3 बार, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किन्हीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। 16 ये सुमन क्लासेस हजारीबाग झारखंड के द्वारा चलाया गया वीडियो है, जिसे मुझे पता है आप लोग लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।